हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जी के वाई युवराज में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दोस्तों आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। आज से हम पढ़ना चालू करेंगे दोस्तों इसके बारे में। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में दोस्तों। दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मैंने ऐसे कहा था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को भौगोलिक स्वरूप का पार्ट वन और पार्ट टू बनाया था, आर्थिक स्वरूप का भी पार्ट वन पार्ट टू बनाया था। परंतु मैं ऐसा दक्षिण अमेरिका में ऐसा नहीं किया दोस्तों, मैंने जलवायु सब, आर्थिक स्वरूप, भौगोलिक स्वरूप सब इसी में ही दे दिए दोस्तों। दोस्तों इसका आज पार्ट वन है दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना दोस्तों। पार्ट टू भी देखना कल का हमारा वीडियो दोस्तों। बिना देखे साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। आप चाहो तो इनको अपनी नोट कॉपी में नोट कर लेना, जिससे हमें याद हो जाएगी दोस्तों। और साथ ही साथ में हमें रिवाइज करते हुए चलेंगे दोस्तों। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। क्या है? जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार दोस्तों। पनामा नहर दोस्तों, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करती है। दक्षिण अमेरिका दोस्तों जो पनामा नहर है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करती है, मतलब अलग करती है। कौन? पनामा नहर दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है। कितना? फोर्थ नंबर का बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि दोस्तों। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों ये थी हमारे आकृति त्रिभुजाकार होती है, पनामा नहर दो अलग करता है, इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा नंबर है। अब दोस्तों यह है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप। क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप है दोस्तों। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर है। क्या है? कैरेबियन सागर है इसके उत्तर में, दक्षिण महाद्वीप के उत्तर में कैरेबियन सागर है। और इसके दक्षिण में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं। क्या है? जो प्रशांत महासागर है और जो अटलांटिक महासागर है, ये दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण दोस्तों आपस में मिलते हैं। इसके पूर्व में जो अटलांटिक महासागर है और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, ये दोनों सागर दोस्तों दक्षिण में मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने मैप के जरिए इसके पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या क्या है ये देख लिए दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो महाद्वीप है उसके बहुत कुछ है दोस्तों जानने के लिए, वो अब जानेंगे दोस्तों। अटाकामा मरुस्थल। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल किसे कहते हैं? अटाकामा मरुस्थल जो बड़ा विश्व का बड़ा नाइट्रेट भंडार है। क्या है? विश्व का बड़ा नाइट्रेट भंडार है। कौन? अटाकामा मरुस्थल क्या है? बड़ा नाइट्रेट भंडार है। क्यूटो क्या है दोस्तों? इक्वेडोर की राजधानी। क्या है? इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो है दोस्तों। यहाँ वर्ष भर वसंत रहता है। क्या रहता है? वर्ष भर दोस्तों यहाँ वसंत रहता है। और दोस्तों क्यूटो जो है ये इक्वेडोर की राजधानी है, और जो क्यूटो है ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। मतलब जो क्यूटो राजधानी है ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। क्या है? राजधानी। क्या है? इक्वेडोर की राजधानी है, वर्ष भर यहाँ वसंत रहता है, सर्वाधिक ऊंचाई की राजधानी विश्व में। अब कोलंबिया। क्या है? कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है, कोलंबिया उत्तरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एकमात्र ऐसा देश है कोलंबिया, जिसका नाम नई दुनिया की खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर पड़ा है। क्या है? क्रिस्टोफर नई दुनिया के वो रचयिता है, खोज करता है क्रिस्टोफर कोलंबस, इसी के नाम पर कोलंबिया नाम पड़ गया। एकमात्र विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर पड़ा है दोस्तों। कोलंबिया में दोस्तों विश्व का 95% पन्ना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पन्ना। कोलंबिया में विश्व का 95% पन्ना
पाया जाता है दोस्तों। अब है ये दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का बड़ा देश है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दोस्तों उसका सबसे बड़ा देश है ब्राजील। अब सबसे छोटा देश है फोकलैंड। क्या है? फोकलैंड। सबसे छोटा बड़ा देश ब्राजील है, छोटा देश फोकलैंड है। क्या है? फोकलैंड दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बड़ा देश और छोटा देश। अब उरुग्वे क्या है? क्या है उरुग्वे? क्या है दोस्तों उरुग्वे? दोस्तों यहाँ दोस्तों सर्वाधिक नगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक नगरों वाला नगर। क्या है? सर्वाधिक नगरों वाला देश दोस्तों उरुग्वे। दोस्तों ऐसा देश है जहाँ सर्वाधिक नगर है। क्या है? सर्वाधिक नगर है, सबसे ज्यादा नगर उरुग्वे में है। अब है सेल्वास। क्या है दोस्तों? क्या है सेल्वास? दोस्तों सेल्वास विषुवत रेखीय वनों को कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सेल्वास विषुवत रेखीय वनों को कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय वनों को कहते हैं। लानोस क्या? लानोस क्या है? क्या है लानोस? क्या है दोस्तों? वेनेजुएला की उष्ण कटिबंधीय सवाना घास को लानोस कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोस किसे कहते हैं? वेनेजुएला जो उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदान है उन्हें लानोस कहते हैं। अब है पंपास। क्या है? पंपास। अर्जेंटीना में दोस्तों अर्जेंटीना की शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को दोस्तों पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। जो अर्जेंटीना है उसकी जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है दोस्तों उसी को पंपास कहते हैं। अब है एको बीज। क्या है एको बीज दोस्तों? ये मछली है। क्या है? एक प्रकार की मछली है एको बीज। इसका सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों पेरू में होता है। क्या कहाँ होता है दोस्तों? पेरू में। इसका एको बीज मछली का सर्वाधिक उत्पादन पेरू में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? पेरू में। तो दोस्तों हमने देखा अटाकामा मरुस्थल कैसे कहते हैं, क्योटो कैसे कहते हैं, कोलंबिया क्या है, बड़ा देश क्या है, छोटा देश क्या है, उरुग्वे क्या है, कैसे कहते हैं, सेल्वास कैसे कहते हैं, लानोस कैसे कहते हैं, पंपास कैसे कहते हैं, एको बीज क्या कैसे कहते क्या है दोस्तों। तो दोस्तों हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आधी जानकारी प्राप्त कर ली है दोस्तों। अब जो हमारी आधी जानकारी बची है दोस्तों वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों केंडोर। केंडोर क्या है दोस्तों? अब क्या है केंडोर? ये संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। क्या है दोस्तों? जो भी हम बातें बता रहे हैं ये सभी दोस्तों दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं जो भी जीव जंतु है। अब है ये है केंडोर दोस्तों, ये संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। क्या है? संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है केंडोर। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की शीतोष्ण महासागरीय जलवायु में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ तो है? शीतोष्ण महासागरीय जलवायु में केंडोर पाए जाते हैं। अब है रिया पक्षी। क्या है? रिया पक्षी और एनाकोंडा सर्प दोनों दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कौन कौन? रिया पक्षी और एनाकोंडा सर्प। दोस्तों जो एनाकोंडा सर्प है ये विश्व का सबसे विशाल एवं सबसे लंबा सर्प है। क्या है? सबसे विशाल, विश्व का, पूरे संसार का सबसे लंबा और सबसे बड़ा और सबसे लंबा सर्प है एनाकोंडा सर्प। ये भी आपको याद रहना जरूरी है। आर्मडिलो, ये दोस्तों विचित्र प्राणी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। एक विचित्र प्राणी है आर्मडिलो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। क्या है? ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। ये वाल परेजो पतन से जो कि प्रशांत महासागर में है, और ब्यूनस आयर्स पतन से जो कि अटलांटिक महासागर में है, या वाल पेरे जो पतन से व्यूनर्स आयर्स पतन तक जो है ट्रांस इंडियन मार्ग है, दोनों को आपस में जोड़ता है। ये प्रशांत महासागर में है और ये अटलांटिक महासागर में। अब है एंडीज, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। क्या है? एंडीज क्या है दोस्तों? ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या है?
विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। क्या है सबसे लंबी पर्वतमाला? एंडीज। अब है टिटिकाका झील, क्या है टिटिकाका झील दोस्तों? जो टिटिकाका झील है ये विश्व की सबसे ऊंची मीठी पानी की झील है। क्या है जो टिटिकाका झील है दोस्तों? ये विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की झील है। कौन सी? टिटिकाका झील। अब है माराकाइबो, क्या है माराकाइबो दोस्तों? जो माराकाइबो है ये वेनेजुएला में है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो देश है वेनेजुएला, वहां माराकाइबो है। और ये जो माराकाइबो है ये सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब है अमेजन नदी, क्या है अमेजन नदी? ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। और ये अमेजन नदी दोस्तों विश्व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्या है? जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी क्या है? कौन सी है? अमेजन नदी। अब है एंजल जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात दोस्तों? एंजल जलप्रपात, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है दोस्तों? एंजल जलप्रपात क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। अब है अटाकामा और पेटागोनिया दोस्तों, ये दोनों दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। कौन कौन से? अटाकामा और पेटागोनिया। अब है लानोस, कैंपोस, पंपास और ग्रीन चाको दोस्तों, ये चारों दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की घास भूमिया है। क्या है? घास भूमिया। कौन कौन सी है? लानोस, कैंपोस, पंपास, ग्रीन चाको। तो दोस्तों इसमें बहुत सभी दोस्तों जो हमने बातें बताई दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में वो सभी इम्पोर्टेंट है, सभी कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैंडोर हो गया, रिया पक्षी, कैनाकोंडा, आराम डालो, ट्रांस इंडिया, एंडी, टिटिकाका झील, माराकाइबो, अमेजन नदी, एंजल जलप्रपात सबसे लंबा सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व में, अटाकामा, पेटागोनिया, लानोस, कैंपोस, पंपास, ग्रीन चाको, घास भूमिया है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो दोस्तों हमने दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में अभी थोड़ी ही जानकारी देखी है। अब दोस्तों थोड़ी और जानकारी बची है वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों साओ पाला, क्या है साओ पाला दोस्तों? जो साओ पाला है ये ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में दोस्तों। ये दोस्तों जो साओ पालो है दोस्तों, ये संसार की सबसे बड़ी मंडी है। क्या है? संसार की सबसे बड़ी मंडी है। किसकी? कहवा की। क्या? किसकी? कहवा की दोस्तों। कहवा की खेती के लिए खेती दोस्तों टेरा रोसा मिट्टी में की जाती है। कौन सी मिट्टी में की जाती है? कौन सी मिट्टी में की जाती है कहवा की खेती? टेरा रोसा मिट्टी में की जाती है दोस्तों। साओ पोला जिसे सबसे बड़ी मंडी है। अब है कॉफी बंदरगाह है, क्या है? कॉफी बंदरगाह है दोस्तों। जो कॉफी बंदरगाह है ये ब्राजील में है। कहाँ है? उत्तर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील में है कॉफी बंदरगाह है। किसे कॉफी बंदरगाह कहते हैं? संतोस बंदरगाह को दोस्तों कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं, जो कि ब्राजील में है। अब है कोटोपैक्सी, क्या है कोटोपैक्सी दोस्तों? ये इक्वेडोर में है। ये संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्या है? संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, जो कि इक्वेडोर में है। अब है हर्मिंग बर्ड, क्या है हर्मिंग बर्ड? ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। क्या है? विश्व का दोस्तों सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हर्मिंग बर्ड। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है ये। अब है एंट ईटर, एंट ईटर दोस्तों और प्यूमा दोस्तों, ये दोनों जानवर दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की विशेषता है। क्या है? एंट ईटर और प्यूमा दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की विशेषता है दोस्तों। और जो प्यूमा है ये बिल्ली परिवार से है। क्या है? बिल्ली परिवार का है। बिल्ली परिवार, बिल्ली जनजाति से। अब है
प्यूमा दोस्तों, जो प्यूमा है ये चीते से ताकतवर होती है। क्या होती है? चीते से ताकतवर तो होती है और खतरनाक होती है, चीते से भी खतरनाक होती है प्यूमा। अब है दोस्तों इसका प्यूमा मुख्य भोजन बंदर है। क्या है? बंदर दोस्तों, इसका मुख्य भोजन है बंदर। प्यूमा का मुख्य भोजन है बंदर। अब है लामा। क्या है? लामा दोस्तों ऊंट प्रजाति का प्राणी होता है। ये ऊंट प्रजाति का प्राणी कौन है? लामा दोस्तों। ये एंडीज पर्वत पर ज्यादा पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत पर ज्यादा पाए जाते हैं कौन से? लामा दोस्तों। ये एंडीज पर्वत ज्यादा पाए जाते हैं, ये ऊंट प्रजाति के प्राणी होते हैं। अब है कपास। क्या है? कपास दोस्तों, कपास का उत्पादक क्षेत्र है चेको। सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र है चेको का मैदान। क्या है? चेको का मैदान दोस्तों। कपास ज्यादा उत्पादित की जाती है, सर्वाधिक उत्पादित की जाती है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में दोस्तों कपास, अर्जेंटीना में चेको का मैदान है, वहाँ ज्यादा उत्पादन होता है। अब है सोयाबीन दोस्तों, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों फर्स्ट है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और सेकंड नंबर पे है ब्राजील। क्या है? ब्राजील दक्षिण अमेरिका जो ब्राजील है वो सेकंड नंबर पे सोयाबीन के उत्पादन में। फर्स्ट पे है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना दोस्तों मांस निर्यातक में के लिए विख्यात है, और जो चीन है ये मांस उत्पादक के लिए विख्यात है संसार में। अर्जेंटीना मांस निर्यातक में के लिए विख्यात है, और जो चीन है ये मांस उत्पादक के में विख्यात है। तो दोस्तों हमने देखी बहुत सारे ये साओ पाले क्या होता है, क्या पे बंदरगाह, कोटोपेक्स, हार्मिंग बर्ड एंड टैप, लामा, कपास, सोयाबीन, अर्जेंटीना, चीन, ये मांस उत्पादन के लिए है दोस्तों। दोस्तों हमने बहुत सारी जानकारी देखी, अभी भी दोस्तों बहुत सारी जानकारी बची है आपके लिए। तो दोस्तों जो हमारी जो जानकारी बची है वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों अपामा खान। क्या है? अपामा खान ये ब्राजील में है, और इस ये विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है। क्या है? ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है अपामा खान, ब्राजील में। अब है ब्राजील दोस्तों, यहाँ विश्व के सर्वाधिक मवेशी पाले जाते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा मवेशी ब्राजील में पाए जाते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा मवेशी कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। फर्स्ट नंबर ब्राजील का है, और सेकंड नंबर हमारे भारत का है। अब है अर्जेंटीना दोस्तों, अर्जेंटीना में दोस्तों पशु फार्मों को एक्टांसिया। क्या है? एक्टांसिया, और पशुपालकों को गवांको कहते हैं। क्या कहते हैं? गवांको। अब है चरवा माटे दोस्तों, चरवा माटे ब्राजील में पाए जाते हैं, और जो चरवा माटे हैं ये चाय के समान उपयोगी वृक्ष है। क्या है? चाय के समान उपयोगी वृक्ष है चरवा माटे। तो दोस्तों हमने बहुत सारी जानकारी देखी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में, आज पार्ट वन था। तो दोस्तों जो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आप चाहो तो इन्हें अपनी बुक में नोट कर लेना, लिख लेना दोस्तों, और इन्हें याद कर लेना। ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए आवश्यक है, सभी महाद्वीप के बारे में पूछी जाती है सभी पेपर में, ऑल कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों सभी महाद्वीप के बारे में पूछी जाती है, इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो भी देखना हमारा दोस्तों। दोस्तों तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखो, और आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, और मजे में रहो। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।